मैं डॉक्टर करीमुल्ला हूँ। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। WHO 7 अप्रैल को एक बहुत इम्पोर्टेंट डे मनाने जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मैं चंद चीज़ें आपको हार्ट की हेल्थ के बारे में पहले बताऊंगा। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनमें से एक ब्लड प्रेशर है, एक डायबिटीज़ है जिसको ज़्यादतीस भी कहते हैं, एक स्मोकिंग है, एक फैमिली हिस्ट्री है, और एक जो है जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। हमें ये चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, अगर इनमें से हमें कोई एक रिस्क फैक्टर है तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। हमें हेल्दी डाइट के बारे में बड़ा कॉशियस होना चाहिए, बाहर की चीज़ें, मुरगन गज़ा, तली हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि खालिस अज़िया जिस तरह फल फ्रूट इनका इस्तेमाल, खुश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हमें चिकनाई वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए, और अगर हमें डायबिटीज़ हो तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, प्रॉपर माहिर अमराज से, डायबिटीज़ के ज़रिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल की तकलीफ हो जाए तो फिर आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से राय लें बजाय इसके कि आप किसी आम डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है, हमें इससे बचना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और क्राउडेड जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि वैक्सीन जो हमारे 60 साल से ज़्यादा घर में बड़े अफराद मौजूद हैं, उनको हमने, गवर्नमेंट ने एक बड़ी फैसिलिटी दी है कि उनको वैक्सीन लगाई जाए, उससे आप मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। और आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि जेनेक्स फार्मा ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कदम उठाया है, मुख्तलिफ कंसल्टेंट से राय ली हेल्थ के बारे में, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया।